नमस्कार, मेरा नाम कोपल हालन है और आप देख रहे हैं सीबीएनऑर न्यूज। जाने क्या है आज की ताजा खबरें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन को लेकर कही ये बात। WHO के महानिदेशक ने कहा कि 10 सप्ताह पहले कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आने के बाद से अब तक संक्रमण के 9 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके, जो कि वर्ष 2020 के सामने आए कुल मामलों से ज्यादा है। उन्होंने आगाह किया है कि हालांकि ओमिक्रॉन वायरस के अन्य स्वरूपों जितना घातक नहीं है, फिर भी इससे बचकर रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के ज्यादातर क्षेत्रों से मौतों की संख्या में वृद्धि की बेहद डराने वाली खबरें आ रही हैं। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को 15 रन से हराकर फाइनल में बनाई अपनी जगह। वहीं टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। इस मैच में जीतने वाली टीम 5 फरवरी को इंग्लैंड के साथ फाइनल मैच खेलेगी। सुपरस्टार प्रभात और बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े की अपकमिंग फिल्म राधे श्याम को लेकर काफी वक्त से सस्पेंस बना हुआ था। फिल्म पहले 14 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण इसकी रिलीज डेट को पोस्टपोन किया गया। अब फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। फिल्म की नई रिलीज डेट को आज मेकर्स ने रिवील कर दिया है। फिल्म 11 मार्च को सिनेमाघरों में ही रिलीज होने जा रही है। राधे श्याम फिल्म्स की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें आज सुबह फैंस को इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर गुड न्यूज शेयर की गई। ट्वीट में बताया गया है, रोमांचकारी प्रेम कहानी की नई रिलीज डेट है राधे श्याम 11 मार्च को सिनेमाघरों में। प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन में बुधवार को 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन का पहला मुकाबला शाम 7:30 बजे पटना पायरेट्स वर्सेस यूपी योद्धा के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला 8:30 बजे पुनेरी पल्टन वर्सेस यू मुंबा का होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूपी टाइप वाले बयान पर कांग्रेस ने साधा निशाना। राहुल गांधी ने बजट पर निशाना साधते हुए कहा था कि मोदी सरकार का बजट शून्य जैसा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जब राहुल के बयान पर जवाब मांगा गया, तो उन्होंने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से जवाब देने के लिए कहा। इस पर चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी को बजट समझ में नहीं आया। बजट में सभी सेक्टर्स के लिए घोषणा की गई, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, चौधरी ने टिपिकल यूपी टाइप जवाब दिया है। मुझे लगता है यूपी से भागने वाले सांसद के लिए इतना काफी है। उन्होंने आगे कहा था कि राहुल ने जिस कैटेगरी का जिक्र किया है, उसके बारे में मैंने बजट में कुछ ना कुछ कहा है। वित्त मंत्री के बयान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके कहा कि यूपी के लोगों को यूपी टाइप होने पर गर्व है। हमको यूपी की भाषा, बोली, संस्कृति और इतिहास पर गर्व है। आपने यूपी के लिए बजट के झोले में कुछ नहीं डाला, ठीक है, लेकिन यूपी के लोगों का इस तरह अपमान करने की क्या जरूरत थी। प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद यूपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी वित्त मंत्री पर निशाना साधा गया। धन्यवाद।